वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCSA के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, यानी जो सर्टिफिकेशन में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का 2016 का स्टार्ट किया हूं, उसमें लास्ट वीडियो हम लोगों ने गाइस डिस्कस किया था आईओप की ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। मैं ऐसे कोर्स या सर्टिफिकेशन नहीं करा सकता, तो मैं ऐसे ट्रेनिंग वगैरह नहीं करा सकता, क्योंकि हम लोग बस इसी इतनी देर की ही वीडियो में सारी चीजें समझते हैं, प्रैक्टिकल हर कुछ है, और ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है जिसको हम लोग सॉर्ट करके बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइस डेडिकेशन के साथ इन सारी चीजों को समझिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस आपको अपने टास्क पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के बाद यहाँ पे सीखेंगे गाइस ऑपरेशन मास्टर रोल, ऑपरेशन मास्टर रोल क्या होता है, कैसे होता है वगैरह वगैरह। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं ऑपरेशन मास्टर रोल के बारे में। तो ऑपरेशन मास्टर रोल की अगर मैं बात करूं गाइस, तो यहाँ पे ऑपरेशन मास्टर रोल दो तरीके का होता है, एक सिंगल ऑपरेशन मास्टर रोल होता है और एक मल्टीपल, यानी सिंगल मास्टर रोल और मल्टी मास्टर रोल। अब ये सिंगल और मल्टी मास्टर क्या होता है? सिंगल मास्टर वो होता है जब कोई सर्विस किसी एक डीसी पर बस अप्लाई होती है तो सिंगल मास्टर रोल के अंदर आएगा, और मान लिया वही सर्विस मल्टीपल डीसी के साथ रन हो रही है तो वो आपका मल्टी मास्टर रोल, मतलब एक ऐसा रोल जो मल्टी डोमेन पे काम कर रहा हो तो वो मल्टी मास्टर रोल हो जाएगा। सिंपल यही छोटा सा डिफरेंस है। अगर गाइस और मैं आगे बात करूं कि सिंगल और मल्टी मास्टर रोल के बारे में, तो ये टोटल आपको सॉरी गाइस टोटल ये जो रोल है ये पांच पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, फाइव टाइप के वो में बेसिकली कैटेगरी इनकी दो बनाई गई, फॉरेस्ट और डोमेन लेवल पे। फॉरेस्ट आप जानते हो गाइस कि फॉरेस्ट मतलब एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन का, जिसमें बहुत सारे डोमेन या डीसी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और बहुत सारे इसमें ट्री और वगैरह वगैरह इन सबको मिला के फॉरेस्ट बना हुआ है। डोमेन मतलब होता है सिंगल यार, जैसे कि google.com वगैरह, facebook.com वगैरह, या लास्ट टाइम मैंने अपने कंप्यूटर पे एक बनाया था infotexsys.com, तो लाइक दिस कि ये आपका क्या है, सिंगल एक डोमेन है infotexsys.com, मैंने प्रैक्टिकली बनाया हुआ है। तो ये रहा। अगर गाइस अब यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें हैं, और अगर हम लोग इन पांच डोमेन के बारे में बात करूं कि सॉरी जो डोमेन नेमिंग मास्टर है और सारी चीजें, अब ये होता क्या है, पहले इन पांचों को थोड़ा सा इनके पांचों के बारे में ओवरव्यू ले लेता हूं। मान लिया गाइस आपने एक डोमेन बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक डीसी बनाया, और इस डीसी पर क्या किया आपने, कोई सर्विस इंस्टॉल किया, कोई रोल इंस्टॉल किया, कोई ऑब्जेक्ट डाला, तो वो बेसिकली क्या है, सिंगल एक सर्वर के थ्रू तो वो चल नहीं पाएगा, जैसे बड़े लेवल पे अगर काम है तो उसको हमें कहीं ना कहीं रेप्लिकेट कराना पड़ता है, उसकी सर्विस को कहीं ना कहीं फेल ओवर क्लस्टर या फेल ओवर डाउन सिचुएशन में किसी अदर सर्वर से सर्विस लेने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक जैसे मान लिया आपने एक सर्वर बनाया लाइक facebook.com, fb.com, ये है, अब ये fb.com बना हुआ है गाइस, अब मान लिया कि अगर ये सिंगल है और सब लोग इससे सर्विसेज ले रहे हैं तो उतना कैपेबल नहीं होगा, हमें इसको अदर सर्वर के साथ क्या करना होगा, सर्विसेज ऐड करके उसके साथ हेल्प कराना होगा ताकि ट्रैफिक और इन सारी चीजों को मैनेज किया जा सके। तो अगर इन केस एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरा हमारा प्रॉपर वे से उसको तुरंत रेप्लिकेट कर देगा और अपनी सर्विस के साथ उसको अलाउ कर देगा और तुरंत आपको सर्विस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यही थोड़ा सा ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन, यूजर ग्रुप्स एंड पॉलिसीज एंड जो भी उसमें सर्विसेस हैं उन सारी चीजों को बेसिकली रेडिडेंसी और आप बोल सकते हो फेल ओवर की सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब गाइस यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर मान लिया कि ये सारे काम अगर नहीं करते हो आप, जो कि ये रोल है डोमेन नेमिंग मास्टर स्कीमा, ये हम लोग नहीं करते, बाय डिफॉल्ट ही अप्लाई हो जाते हैं। जब भी आप एक डीसी प्लान करते हो ना, जब भी आप एक डोमेन प्लान करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया कोई fb.com लाइक एनीथिंग, जब भी आपने बनाया तो ऑटोमेटिकली ये सब क्या हो जाता है, उस पर अप्लाई हो जाता है। बट उस पर आपको क्या करना है, उसमें चेंजेस अगर करना है तो वो आपको करना होता है। अब गाइस मैं बता दूं फेल ओवर की सिचुएशन में हम लोग इन सारी चीजों को, प्लस फॉल्ट टॉलरेंस सबसे बड़ी चीज होती है इन सारी चीजों का वर्क करने का, फॉल्ट टॉलरेंस कि एक सर्वर अगर डाउन होता है तो दूसरा सर्वर तुरंत उसको उस ऑब्जेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे रेडिडेंसी की भी बात करें तो ये सारे मिलकर हमें क्या करते हैं, रेडिडेंसी एक ADDS लेवल पे कॉन्फ़िगर करते हैं और रेडिडेंसी लेवल पे हमको काम करते हैं। अगर ये पांच जो ऑपरेशन मास्टर हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, RID मास्टर, RID मतलब होता है कि सिंपल आप बोल सकते हो कि RID जो एक होता है वो यहाँ पे मैं बता दूं R स्टैंड फॉर आप बोल सकते हो रिलेटिव आइडेंटिफायर मास्टर, ऐसे आप
एंड देन पीडीसी का मतलब होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इमुलेटर मास्टर। पीडीसी सिंपल बोल सकते हो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, या पीडीसी इमुलेटर मास्टर भी बोल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये पांच होते हैं। अब गाइस मैं जो एक एक को डिस्कस करूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो गाइस डोमेन नेमिंग मास्टर क्या है एंड स्कीमा मास्टर क्या है नेक्स्ट वीडियो में सीखने के लिए तैयार हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड